हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में बताऊंगी। ये वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मॉम्स, हाउसवाइफ्स और उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास टैलेंट तो बहुत है पर उस टैलेंट को वो घर बैठे कैसे यूज़ करें ये उनको नहीं पता। हम में से हज़ारों ऐसे मेल्स और फीमेल्स हैं जो कि वेल क्वालिफाइड हैं, टैलेंटेड हैं, पर किसी वजह से घर से बाहर नहीं जा सकते या तो उनको अपने अकॉर्डिंग की जॉब नहीं मिल रही है। ये वीडियो उन सब के लिए है। शायद आपको नहीं पता होगा पर कुछ सालों पहले मेरी भी सिचुएशन सेम थी। सून आफ्टर माई मैरिज आई गॉट माई फर्स्ट चाइल्ड, तो नेक्स्ट वन ईयर तक मैं कोई भी तरीके की जॉब नहीं कर पाई। आई टुक कम्प्लीट वन ईयर टू रीस्टार्ट माई करियर। लेट मी टेल यू, आई वर्क फ्रॉम होम फुल टाइम फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड आई ऑल्सो फ्रीलांस इन फ्यू फील्ड्स लाइक एडिटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग, SEO एंड वीडियो एडिटिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो जॉब्स के बारे में बताऊंगी वो कोई 9 to 5 जॉब्स नहीं है जिसमें आपको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। मैंने मॉम्स और हाउसवाइफ्स के बिजी स्केड्यूल को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी जॉब्स निकाली हैं जो कि आप फ्रीलांस, पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं अपने टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि इन जॉब्स के लिए आपको किसी पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा या स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, टैलेंटेड है, तो आप ये जॉब ज़रूर कर सकते हैं। यही नहीं, ये कोई छोटी मोटी डेटा एंट्री टाइप जॉब नहीं है जो कि आपको थोड़े से पैसे दिला सके, बल्कि ये वो जॉब्स हैं जो आपकी वैल्यू, रेपुटेशन, मनी और करियर ग्रोथ सब दिलाएंगी। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ पार्ट टाइम अफेयर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जो सबसे पहली रेप्यूटेबल करियर फोकस जॉब है वो है कंटेंट राइटर की। ये वो जॉब है जिससे मैंने स्टार्ट करा था। मुझे बेशक शुरू में 3 से 4 महीने लगे इस जॉब को समझने में, इस जॉब के बारे में जानने में और नए क्लाइंट्स ढूंढने में, पर विद इन 6 months आई स्टार्टेड अर्निंग ₹30,000 वर्किंग फ्रॉम माई होम एंड वर्किंग फॉर 3 to 4 hours। आजकल ये जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड में है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट बूम। इस जॉब में बेसिकली आपको वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल लिखने होते हैं। जो आर्टिकल लिखना होता है उसका एक्सपर्टाइज आप अपने क्वालिफिकेशन या अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग की जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं वो हैं एकेडमिक राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, बुक राइटिंग, कोर्स राइटिंग एंड व्हाट यू कैन से इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स, न्यूज़ राइटिंग एक्सेट्रा। अगर आपको डिटेल में जानना है हाउ टू बिकम अ कॉन्टेंट राइटर तो आपको ऊपर एक सजेशन बॉक्स में मेरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पे जाएं या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जॉब, वर्चुअल असिस्टेंट। दिस इज़ द सेकेंड थिंग दैट आई वुड रिकमेंड फॉर बिगिनर्स। ये एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है फॉर मॉम्स, हाउसवाइफ्स और कॉलेज स्टूडेंट्स। ये एक ईजी गोइंग जॉब है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च या माइंड बॉगल नहीं करना पड़ता है। इस जॉब में आपको एक इंसान को रिप्लेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक कंपनी की CEO हूँ, मुझे अपने मेल्स को रिप्लाई करना होता है, मीटिंग स्केड्यूल करनी होती हैं और बहुत सारी कॉल्स लेनी होती हैं। ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक इंसान को हायर करूँगी जो ये मेरा सारा काम कर देगा। मैं उसको सारी लॉगिन डिटेल्स दूँगी, सारा प्रोसेस समझाऊँगी ताकि वो ये मेरा सारा काम कर पाए और मैं अपना टाइम बचा पाऊँ। ऐसे इंसान को हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। इस जॉब में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जैसे कि वेबसाइट सपोर्ट, लाइव चैट, ईमेल मार्केटिंग एक्सेट्रा। अगर आप चाहते हैं मैं इस जॉब के बारे में आपको इन डिटेल बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए मूव करते हैं अब हमारी नेक्स्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब की तरफ। ये मुझे अच्छे से पता है कि मॉम्स और हाउसवाइफ्स को अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है, इसलिए जो हमारी थर्ड जॉब है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। जो थर्ड वर्क फ्रॉम होम जॉब है वो है ऑनलाइन ट्यूटर्स की। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड है या इंटरेस्ट है तो आप ये जॉब चूज़ कर सकते हैं। इस जॉब में आपको स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना होगा वीडियो कॉलिंग के थ्रू। यही नहीं, आप इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं के भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। आपको इस जॉब के लिए मिनिमम 1 hour देना होगा पर डे। आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा आप उतना ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और उतना ज़्यादा अर्न कर पाएंगे।
कुछ पॉपुलर ऑनलाइन ट्यूटर वेबसाइट्स हैं, अर्बन प्रो, अन अकेडमी, देन वीआईपी किड, क्यू किड, बायजूस, एनसीआर एडु सर्विसेज एंड ट्यूटर.com. अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी. अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस जॉब को ज़रूर ट्राई करें. तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब की तरफ. फोर्थ कम्स ब्लॉगिंग. आई कांट टेल यू हाउ अमेजिंग दिस जॉब इज़. आजकल 12-13 ईयर्स के बच्चे ब्लॉग करके एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं. इस जॉब के लिए बेशक आपको थोड़े से स्किल सीखने होंगे, जैसे कि राइटिंग, SEO और ब्लॉग प्रमोशन, पर अगर आप इस जॉब में टाइम, एफर्ट और कंसिस्टेंसी डालते हैं तो विद इन 6 मंथ्स आप एक अच्छा हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं. यही नहीं, आगे चल के आप एक अपना खुद का ब्रांड भी खोल सकते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक कुकिंग ब्लॉग है तो आप आगे चल के एक अपनी कुकिंग अकेडमी खोल सकते हैं, कुकिंग क्लासेस ले सकते हैं या एक अपनी खुद की कुकिंग रेसिपी बुक भी लिख सकते हैं. सेम रूल अप्लाइज टू ऑल ब्लॉगिंग नीड्स, चाहे वो एकेडमिक हो, एजुकेशनल हो, टेक्निकल हो, अल्टरनेटिव हेल्थ हो, एक्सरसाइज का हो, फैशन का हो या क्लोथिंग का हो. बस इसमें आपको थोड़ा टाइम, पेशेंस और एफर्ट लगाने होंगे. अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में और जानना है तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉगिंग को इन डिटेल समझाऊंगी. तो चलिए मूव करते हैं हमारे फोर्थ वर्क फ्रॉम होम जॉब की तरफ, जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग. लेवल मार्केटिंग, आपको इस जॉब के बारे में बेशक पता होगा. आजकल आपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स देखे होंगे जिसमें लोग प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं. प्रोडक्ट्स जैसे कि क्लोथिंग, शूज़, टॉयज़, डेकोरेटिव आइटम्स, वॉचेस, परफ्यूम्स, मेकअप प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. इन शॉर्ट, इसमें आपको प्रोडक्ट्स को रीसेल करना होता है. ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है बड़ी बड़ी कंपनीज की, जिसमें वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपनी सेल्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं. आप अगर इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको वो प्रॉफिट देते हैं. इन शॉर्ट, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 20 suits पर मंथ सेल करते हैं तो आपको समवेयर अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. इस तरीके से आप 2-3 कंपनीज़ के साथ कनेक्ट करिए और अपनी इनकम बढ़ाइए. ये जॉब बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका एक अच्छा सोशल नेटवर्क हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो और थोड़े से टेक्नो सेवी हो. और अगर आपको लगता है ये सब चीज़ें आपके अंदर है तो प्लीज़ इस जॉब को ट्राई ज़रूर करें. दिस वन इज़ नॉट अ जॉब बट एन आइडिया. इसमें आपको एक स्किल सेट सीखना है और उसके बेसिस पे अपने करियर को ग्रो करना है. आजकल बहुत सारी कंपनीज अपने वर्क रिक्वायरमेंट्स को आउटसोर्स करती हैं. आउटसोर्स यानी कि बाहर से करवाती हैं, और ये जॉब बेसिकली फ्रीलांसर्स अपने घर बैठे करते हैं. तो ये जॉब आप भी कर सकते हैं. आजकल के जो इन डिमांड और ट्रेंडिंग स्किल सेट हैं वो हैं SEO, डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड लोगो मेकिंग. आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक स्किल सेट सीखना है और उसके बेसिस पे अपने करियर को डेवलप करना है. ये स्किल सेट आप फ्री या पेड ऑनलाइन कोर्स लेके कर सकते हैं या किसी भी एकेडमी में 2-3 महीने का जाकर भी कर सकते हैं. जो भी आपकी अवेलेबिलिटी हो आप उसके अकॉर्डिंग करें और अपना करियर को डेवलप करें. कॉन्ट्रेरी टू दिस, एक और स्किल सेट का लाइन होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई या रिसर्च या टेक्निकल चीज़ें नहीं करनी होंगी. इस स्किल सेट के एग्जांपल हैं डांस टीचर, योगा टीचर, एक्सरसाइज टीचर, गिटार टीचर, म्यूज़िक टीचर, देन व्हाट यू कॉल मेकअप आर्टिस्ट एक्सेट्रा. आपने आजकल देखा होगा आसपास कितने सारे लोग हैं जो कि किसी ना किसी तरीके का ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं. आप ये स्किल सेट भी सीख सकते हैं और बाहर जाकर लोगों को सिखा सकते हैं. पर लेकिन आपको इस स्किल सेट के लिए थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए घर से बाहर निकलना होगा. एंड आई एम वेरी श्योर कोई भी मॉम या हाउसवाइफ अपने लिए 2-3 घंटे तो निकाल ही सकती है. तो डोंट वेट, जस्ट गो फॉर इट. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा जॉब ट्राई करने वाले हैं, मुझे जान के बेहद खुशी होगी. और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.
टिल देन स्टे हैप्पी स्टे प्रोडक्टिव।